सर नमस्कार। नमस्ते सर, मैं अमित रंजन, नगर का ग्रामीण क्षेत्र। वहाँ वहाँ की आवाज कम कीजिए, वहाँ की आवाज कम कीजिए तो मुझे आपकी आवाज स्पष्ट सुनाई दे। आपकी आवाज मुझे नहीं, कार्यकर्ताओं की नहीं, जो आप टीवी देख रहे हैं ना उसकी आवाज थोड़ी कम कीजिए। एक बार आपका सवाल पूरा होने के बाद फिर आवाज कर देना। हाँ सर नमस्कार। हाँ मैं अच्छा, अमित यहाँ रंजन भी सेल्फी महानगर ले रहे हैं जी। सर नमस्कार, मैं अमित रंजन गाजियाबाद से। मैं मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र है महानगर का, मैं उससे आता हूं और बूथ नंबर 171 पे मैं बूथ अध्यक्ष हूं। मेरे साथ हमारे क्षेत्र के युवा विधायक अजीत पाल जी भी साथ में आए हैं, नमस्कार कर रहे हैं सर आपको। सर मेरा मेरा सवाल आपसे यह है कि हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया और इसे साबित भी किया, और देश के हर नागरिक और हर क्षेत्र में सरकार पर सबका विश्वास भी बढ़ा है, लेकिन हमारे विरोधियों को ये बात पच नहीं रही है। इस गलत अपप्रचार से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया है। हमने सिर्फ सबका साथ सबका विकास का नारा नहीं दिया, आपने कहा कि हमने पूरी तन्मयता से इसको लागू किया है। अब मुझे बताइए, आग अगर लागू करोगे, अगर किसी इलाके में कोई अच्छा पुलिस वाला अच्छे ढंग से काम करेगा, लोगों की भलाई के लिए काम करेगा, तो वहाँ जो बुरे एलिमेंट होंगे, सालों से जमे पड़े होंगे, वो उसका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? वो उसको उखाड़ फेंकने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? उनकी रोजी रोटी बचाने के लिए, उनके गोरख धंधे बचाने के लिए काम करेंगे कि नहीं करेंगे? ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है ऐसा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है ऐसा भी नहीं है। हर युग में, कृष्ण के जमाने से लेकर आज तक, हर युग में ऐसे लोग रहते ही रहते हैं जिनको अपने स्वार्थ के सिवाय किसी चीज की परवाह नहीं होती है, और वो अच्छे कामों से डरते हैं। उनको अंधियारा इतना अच्छा लगता है कि वो उजाले को दोष देने लग जाते हैं, और इसलिए उनके डर के पीछे तो कारण साफ है। भाजपा सरकार सिर्फ नारे नहीं गढ़ती है, उन्हें धरातल की वास्तविकता तक ले जाती है।